रुड़की से बड़ी खबर है और बड़ी खबर यह कि फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा में नकल का मामला। एसआईटी पहुंची रुड़की, एसआईटी जांच पड़ताल कर रही है। हरिद्वार पौड़ी में संयुक्त रूप से जांच, उच्च अधिकारियों ने दिए थे जांच के निर्देश। 7 आरोपियों की एसआईटी को है सरगर्मी से तलाश। आरिफ जुड़ रहे हमारे साथ, हमारे सहयोगी। आरिफ, क्या कुछ एसआईटी कार्रवाई कर रही है, कौन कौन से लोग रडार पर हैं? देखिए पंकज, जिस तरीके से जो फॉरेस्ट गार्ड परीक्षा का मामला सामने आया था, इसमें जिस तरीके से गड़बड़ झाला सामने आया था, उसके बाद जो परीक्षा का जो जिस तरीके से नकल कराने वाला था मुकेश सैनी, वो पहले ही गिरफ्तार हो चुका है। उसके बाद पूरी जांच कुछ अधिकारियों ने एसआईटी को सौंप दी थी और हरिद्वार और पौड़ी जिले की संयुक्त रूप से दोनों जिलों की जो एसटीएफ है वो यहां पर पहुंच चुकी है, रुड़की और डेरा डाले हुए है। अब जो बाकी आरोपी है, 7 आरोपी, उनकी धरपकड़ के लिए अभियान तेज कर दिया है और जल्दी पुलिस उनकी गिरफ्तारी कर सकती है। हालांकि जिस तरीके से फॉरेस्ट गार्ड में ब्लूटूथ के जरिए जिस तरीके से नकल कराई गई और इस नकल का सरगना जो है मुख्य रूप से मुकेश सैनी पकड़ में आया है, उसके बाद परत दर परत और मामला खुलता गया और इसमें 7 आरोपी अभी भी फरार हैं, जिनकी पुलिस को सरगर्मी से तलाश है। एसटीएफ जो है जल्द उनकी गिरफ्तारी कर सकती है। जी पंकज, चलिए नजर बनाए रखिएगा। आर्य, आपके पास फिर आएंगे अपडेट के लिए।